Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2009 की फ्रेंच फिल्म कोको एंड इगोर के बारे में, जो 2002 में लिखी गई एक नॉवल पर आधारित है, जिसमें फ्रेंच फैशन डिजाइनर कोको शनेल और इगोर स्ट्राविंस्की के अफेयर के बारे में बताया गया है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1913 में, जहां पेरिस में कोको शनेल अपने बॉयफ्रेंड आर्थर बॉय कपेल के साथ है। कुछ देर एक साथ रहने के बाद बॉय वहां से चला गया और उसके जाने के बाद कोको भी एक ओपेरा हाउस की ओर जाने लगी। उस ओपेरा हाउस में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मीसिया से मिली, जिसे लगा कि बॉय भी उसके साथ आने वाला है। इगोर स्ट्राविंस्की नाम का एक रशियन कंपोजर उस ओपेरा हाउस में परफॉर्म करने वाला है। यह उस ओपेरा हाउस में इगोर का पहला परफॉर्मेंस था, इसलिए वो घबराया हुआ था, पर उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत दी। उसकी टीम परफॉर्मेंस की तैयारी में लगी थी और थिएटर धीरे धीरे भरता जा रहा था। कोको शनेल के अलावा कई रईस लोग वहाँ मौजूद थे और इगोर अपनी पत्नी के साथ उन्हीं के बीच बैठ गया। वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी तैयार की गई परफॉर्मेंस लोगों को अच्छी लगे। म्यूजिक शुरू हुआ और साथ ही डांस भी शुरू हुआ। ये एक ऐसा परफॉर्मेंस था जो बाकियों से हटके था और इसलिए अजीबोगरीब कोरियोग्राफी और बेसुरी धुन लोगों को अच्छी नहीं लगी। कई लोग वहाँ से निकल गए और परफॉर्मेंस के बीच वहाँ मौजूद लोग गालियाँ देकर ये कहने लगे कि इगोर को वापस रशिया चले जाना चाहिए। पर कुछ लोग थे जिन्हें ये परफॉर्मेंस पसंद आई और उनमें से एक कोको थी। इगोर ऑडियंस का रिएक्शन देख कर बैक स्टेज चला गया और अचानक भीड़ के बीच हाथापाई होने लगी। ऐसा होने की वजह से पुलिस को वहाँ आना पड़ा और किसी तरह परफॉर्मेंस पूरी हुई। तब जाकर इगोर को शांति मिली। इगोर की पत्नी और बाकी के कलाकार ऑडियंस के रिएक्शन से परेशान हो गए, पर उस ऑडियंस में से एक कोको भी थी जिसे ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। कुछ वक्त बाद एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इगोर ने कह दिया कि ये सब कुछ बुरे डांस की वजह से हुआ। ये सुनते ही पलटकर कोरियोग्राफर वास्लव ने कह दिया कि ये सब कुछ इगोर के अजीब और सनकी म्यूजिक की वजह से हुआ है। वास्लव के वहां से जाने के बाद इगोर को समझाया गया कि उसने एक नई भाषा बनाई है, जिसके लिए अभी यह दुनिया तैयार नहीं है, और इस बात ने इगोर को गहरी सोच में डाल दिया। इस बात को 7 साल बीत गए और 1920 में कोको को एक पार्टी में बुलाया गया, जहां वो इगोर के सामने आई। उस वक्त तक कोको एक बहुत मशहूर बिजनेस वुमन बन गई थी और सारी दुनिया उसे जानने लगी थी। कोको की ठाट को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वो दुख में जी रही है। इगोर को बताया गया कि कोको के बॉयफ्रेंड बॉय की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसकी मौत से कोको अब तक उभर नहीं पाई है। जिस तरह इगोर कोको से इम्प्रेस था, उसी तरह कोको भी इगोर और उसके म्यूजिक से इम्प्रेस थी, चाहे अब तक इगोर को कोई जानता ना हो। इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। कोको जानती थी कि इगोर को पैसों की जरूरत है और रशियन रेवोल्यूशन की वजह से इगोर फ्रांस छोड़कर जाना चाहता है, इसलिए उसने इगोर से कहा कि वो चाहती है इगोर पेरिस से कुछ दूर उसके एक विला में अपने परिवार के साथ आकर रहे, क्योंकि उस विला में वो शांति से गाने कंपोज कर सकता है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे इगोर के बनाए गाने बहुत पसंद है। पहले तो कोको की मदद लेने में इगोर हिचकिचाया, पर जब ये बात वो अपनी पत्नी कैथरीन को बताने गया तो उसने देखा कि कैथरीन की तबीयत बद से बदतर हो गई है। अगले ही दिन अपने परिवार को लेकर इगोर कोको के विला में गया, जो किसी महल से कम नहीं था। इगोर का परिवार पहली बार इतने बड़े घर में आया था और उसके बच्चे वहां आकर बहुत खुश थे, पर उस घर में कैथरीन ने नोटिस किया कि कोको को काले रंग के अलावा कोई रंग पसंद नहीं। कुछ वक्त बाद कोको इगोर को उस कमरे में ले गई जहां वो गाने बना सकता है और उस परिवार को उनका नया घर देकर वो वापस पेरिस चली गई। एक तरफ इगोर का परिवार अपनी नई जिंदगी की आदत डाल रहा था तो दूसरी तरफ कोको दिन रात अपने काम में लगी थी। पर जब वो वापस उस घर में आई तो इगोर और उसे एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं। कोको उस परिवार का हिस्सा बनने लगी थी और धीरे धीरे इगोर कैथरीन से दूर जाने लगा था। बीमार कैथरीन अपने पति की म्यूजिक लिखने में मदद करती है और इसी बारे में बात करते हुए जब कोको ने कैथरीन के कपड़े देखे तो उसे एक ड्रेस का आइडिया मिल गया और उसने अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद इगोर ने उस घर की सैर करने के बारे में सोचा और सैर करते हुए वो कोको के कमरे तक पहुंचा और उस कमरे में रखी चीजें देखने लगा, पर इगोर खुद भी जानता था कि उस कमरे में आने की वजह कुछ और है। कोको इगोर के लिए कपड़े बनाना चाहती थी और यही करते हुए उसने बताया कि जिस तरह इगोर अपनी कॉम्पोजिशन पेपर पर नहीं लिखता और सिर्फ पियानो पर बजाता है, उसी तरह वो भी कभी स्केच नहीं बनाती और कुछ हद तक वो दोनों एक जैसे हैं। कोको इगोर को कपड़ों के बारे में बताने लगी और इगोर उसे म्यूजिक के बारे में,
और म्यूजिक सीखते हुए कोको इगोर के करीब आने लगी। ये बात कैथरीन समझ गई और उन दोनों का करीब आना उसे खटकने लगा। वो समझ गई कि इगोर कोको को पसंद करने लगा है, पर वो उससे कुछ कह नहीं पाई। इगोर की नज़र में उसकी पत्नी अब उन पत्तों जैसी हो गई थी जो मुरझा चुके हैं, और कोको भी बॉय को खोने के गम से उभरने के लिए तैयार होने लगी थी। और एक रात आगे बढ़ने का फैसला करके कोको इगोर के पास गई और सब कुछ भुलाकर उन दोनों ने अपना अफेयर शुरू कर लिया। इस अफेयर के शुरू होने से धीरे धीरे इगोर और कोको दोनों ही बदलने लगे, और जो औरत सिर्फ काले कपड़े पहनना पसंद करती थी अब फिर से सफेद पहनने लगी है। इगोर अपने इस अफेयर में इतना खो गया कि वो अपने बच्चों और कैथरीन के बारे में भूलता चला गया। इस अफेयर को छुपाने की बहुत कोशिश की गई, पर कैथरीन का शक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। कोको कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में दूसरे गांव गई। वो एक परफ्यूम बनाने वाले आदमी अर्नेस्ट के साथ अपनी कंपनी शनैल का पहला परफ्यूम बनाने की तैयारी कर रही थी। दूसरी ओर इगोर हर वक्त कोको के लौटने का इंतजार कर रहा था। ये देखकर एक रात कैथरीन ने इगोर से कहा कि उसे लगने लगा है कि वो इगोर को जानती ही नहीं। उसने ये भी कहा कि वो इस घर से निकलना चाहती है, पर इगोर ने कहा कि इस घर में वो बेहतर म्यूजिक बना पा रहा है और इसलिए वो लोग यहाँ से जा नहीं सकते। इगोर को कोको के पास होने से वो पैशन मिल रहा था जो उसने खो दिया था, और जब कई हफ्तों तक कोको उसके पास नहीं थी तो वो गाने बना ही नहीं पाया। परफ्यूम बनाने का काम चलता रहा, पर कोको को अब तक वो महक नहीं मिली जो वो चाहती थी। पर फिर एक दिन अर्नेस्ट ने एक ऐसा परफ्यूम बनाया जो कोको को बहुत पसंद आया। वो अर्नेस्ट का 5वां एक्सपेरिमेंट था, और इसलिए उस परफ्यूम का नाम कोको ने शनैल नंबर 5 रखा। और काम पूरा होते ही जल्द से जल्द वो वापस अपने घर आ गई। उसने और इगोर ने जंगल में मौजूद एक छोटे से घर में अपना अफेयर जारी रखा, और कैथरीन को खुश रखने के लिए कोको ने उसके लिए एक ड्रेस बनाया। उसने कैथरीन को एक परफ्यूम भी दिया, पर कैथरीन जानती थी ये सब कुछ एक ढोंग है। उसने कोको से कहा कि वो अपने पति के लिए खुश है क्योंकि कोको की वजह से इगोर बेहतर महसूस कर रहा है, पर वो चाहती थी कि उनके अफेयर का असर इगोर के काम पर ना पड़े। कैथरीन की बातें सुनकर कोको को शर्मिंदगी महसूस हुई, और ये जानकर कि कैथरीन को अफेयर के बारे में पहले से पता है, इगोर ने भी उससे माफी मांगी। कैथरीन का दिल तो टूटा था, पर वो अब भी सिर्फ ये कह रही थी कि उसे अफेयर से कोई तकलीफ नहीं। वो सिर्फ इस बात से डर रही थी कि उसका शरीर अब खत्म होता जा रहा है। यही बात इगोर को भी परेशान करने लगी। धीरे धीरे कोको और इगोर के बीच परेशानियां बढ़ने लगी। कोको को लगने लगा कि इगोर एक मर्द होने पर ये सोच रहा था कि उसे दो औरतों के साथ रहने का हक है, और इगोर उसे नीचा दिखाने लगा। एक इंडिपेंडेंट औरत होने की वजह से कोको ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसने अपना ये अफेयर खत्म कर दिया, जिसके बाद वो इगोर को बिना बताए उसके मैनेजर से मिलने गई। वो इगोर के शोज के लिए अच्छी खासी कीमत दे आई, और उसकी सिर्फ ये शर्त थी कि इगोर को कभी ना बताया जाए कि पैसों का ये डोनेशन उसने किया है। कोको की नाराजगी इगोर को परेशान करने लगी, पर अब कोको ने सोच लिया था कि वो इगोर को दूसरा मौका नहीं देने वाली। कुछ दिनों बाद ओपेरा हाउस के लोग मीसिया और इगोर के मैनेजर के साथ कोको के घर पर डिनर के लिए आए, और डिनर के दौरान उस डोनेशन की बात हुई। इगोर का ध्यान अब भी सिर्फ अपने टूटे हुए रिश्ते पर था, और इसलिए शराब के नशे में वो तमाशा करने लगा। वो नशे में वहाँ से निकल गया और एक नया कॉम्पोजिशन बनाने लगा, और उसकी बनाई कॉम्पोजिशन की गलतियों को सुधारने का काम कैथरीन ने किया। कैथरीन समझ गई कि उसका और इगोर का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है, और इसलिए अगली सुबह उसने घर से चले जाने का फैसला किया। उसका कहना था कि बच्चे भी समझ गए हैं कि इगोर और कैथरीन का रिश्ता खराब हो गया है, और उन बच्चों की भलाई के लिए उन सबका वहाँ से जाना ही ठीक है। इगोर के माफी मांगने के बावजूद कैथरीन नहीं रुकी, और उसी दिन वो बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। जाने से पहले वो कोको के लिए एक चिट्ठी छोड़ गई, जिसमें उसने कोको का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उनकी इतनी मदद की है। उसने ये भी लिखा कि चाहे वो कोको के इंडिपेंडेंट होने की और उसके काम की इज्जत करती हो, पर वो उसके अफेयर और उसके कैरेक्टर की इज्जत नहीं करती। उसने लिखा कि वो आदमी जिसके साथ कोको रहना चाहती है उन बच्चों का बाप है जिन्हें उसकी इस वक्त जरूरत है, और इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कोको को अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। इगोर अब कोई भी गाना बनाने में कामयाब नहीं हो रहा था, और इसलिए वो चाहता था कि कोको उसके पास लौट कर आ जाए। उसने कोको के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, पर कोको ने अपना मन बना लिया था। ऐसा होने पर इगोर पूरी तरह टूट गया, और इस गम में डूबकर उसने एक ऐसा गाना बनाया जो वो पहले कभी नहीं बना पाया। दिन रात वो इसी काम में लग गया और शराब पी पी कर अपने गम को मिटाने की कोशिश करने लगा। एक दिन कोको ने देखा कि इगोर अपना गाना बनाने में कामयाब हो गया, और उसने इगोर को उसकी परेशानी से निकालने में उसकी मदद की। उन दोनों ने अपने रिश्ते को एक बेहतर तरीके से खत्म किया, और वो दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए।
कोको और इगोर के बीच हुई चीजों से उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया था। इस अफेयर की ही वजह से कोको अपने परफ्यूम की महक ढूंढ पाई और इसी अफेयर की वजह से इगोर एक ऐसा गाना बना पाया जिसने उसे ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने के बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। सालों बाद अपने आखिरी दिनों में कोको और इगोर दोनों ही उस घर और उस घर में हुई चीजों को याद करते रहे और इन्हीं यादों के साथ वो अपने आखिरी पलों को जीते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।